एक बार फिर शर्मसार हुई मानवता। मोटरसाइकिल पर ले जाना पड़ी 5 माह की मासूम की लाश। शव वाहन न मिलने पर मजबूर हुए परिजन। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल में क्या हाल है, इसकी बानगी डिंडोरी जिले में देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि जिला चिकित्सालय से पोस्टमार्टम करवाने के बाद आदिवासी बैगा परिजनों को 5 माह की दुधमुही बच्ची का शव मोटरसाइकिल में ले जाने को मजबूर होना पड़ा। मृत बच्ची बैगा जनजाति परिवार से है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ढिंढोरा पीटती रहती है। वहीं आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी से आई ये तस्वीर मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। शायद इन तस्वीरों को देखकर सरकार व उनके नौकरशाहों की नींद खुल जाए। मृतक बच्ची 5 माह की थी, जिसे बीते दिनों 5 माह का पेंटा थर्ड का टीका लगा था। वहीं बैगा परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शव को उनके द्वारा गौरा गांव से बाइक से ही लाया गया था और पोस्टमार्टम करवाने के बाद बाइक में ही गोद में ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम तो करवाया गया, इस दौरान डिंडोरी पुलिस भी रही, लेकिन किसी ने शव वाहन दुखी बैगा परिवार को उपलब्ध नहीं कराया। अपने कलेजे के टुकड़े के शव को जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर परिजन बाइक से लेकर रवाना हुए। वहीं विधायक कांग्रेस ओमकार मरकाम ने भी सुध नहीं ली, तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। एक तरफ प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित के लिए उनकी पैरवी कर रही है, वहीं धरातल में क्या स्थिति है ये आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे लाए थे आप लोग? दो गाड़ी में लाए थे, मोटरसाइकिल में। एक मोटरसाइकिल मरीज को लाए थे, एक मोटरसाइकिल तीन जे हम लाए। बच्ची का शव कहाँ में लाए थे? बच्ची को ऐसे बागा में लाए थे, बागा पास गोद में। मोटरसाइकिल में जी गोद में लाए थे। अभी व्यवस्था हुई नहीं हुई? नहीं हुई, अभी भी वैसे ही ले जा रहा हूँ। वैसे ही ले जा रहा हूँ। बैगा हो जी? क्या नाम है? अर्जुन सिंह धरवी। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। ना तो नेताओं को आदिवासियों की फिक्र है और ना ही अफसरों को। तभी तो आदिवासियों के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करने वाली सरकार की पोल इस तरह के मामले सामने आने के बाद खुल जाती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए डिंडोरी से नेमलाल झारिया की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।